मध्य प्रदेश के इंदौर में कुत्ते को घुमाने को लेकर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। कुत्तों को लेकर झगड़े में बैंक गार्ड ने गोली चला दी, दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बैंक गार्ड ने 8 लोगों को गोली मारी है। बेहद बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आ रही है। बैंक का गार्ड बताया जा रहा है जिसने गोली चलाई, दो युवकों की मौत हो गई है, 6 अस्पताल में भर्ती है। और देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। बैंक का गार्ड ये व्यक्ति बताया जाता है जिसके हाथ में बंदूक है और वो अंधाधुंध गोली चला रहा है। 8 लोगों को गोलियां लगी हैं और दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जिन दो युवकों की मौत हो गई है। इन दो युवकों पर बैंक गार्ड ने गोली चलाई थी, कुल 8 लोगों पर गोली चलाई गई जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 की तो मौत भी हो गई है। इंदौर का ये पूरा मामला है। वजह कुत्ते घुमाने को लेकर उपजा एक विवाद जिसमें बैंक गार्ड ने गोली चला दी है, 6 लोग घायल हैं, फायरिंग की गई है बैंक गार्ड की ओर से। कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, इसको जब्त किया गया है। शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, हैरान करने वाला ये मामला है, लेकिन इस शख्स की गिरफ्तारी, इसका नाम, इसने किस तरीके से इस पूरे गोलीकांड को अंजाम दिया, क्या कह रहा है इस बारे में खुद? देखिए, इंदौर जैसे शांत शहर में इस तरह की असहनशीलता नज़र आने लगी है। हम देखते हैं कि बात बात पर अब कितना झगड़ा बढ़ जाता है, लोगों की मौत हो जाती है। Exactly. और उसी का उदाहरण ये इंदौर की घटना भी है, जब एक कॉलोनी में ये गार्ड कुत्ता घुमा रहा था, उसके बाद जो स्ट्रीट डॉग्स आए उस कुत्ते पर भौंकने लगे। इसी के चलते कॉलोनी वासियों ने आपत्ति जताई, लोग उस गार्ड के पास गए और कहा कि रात का समय हो गया, रात के 11 बजे हैं, इस तरह से कुत्ते को घुमाना बंद कीजिए, शोर हो रहा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, आप अपने घर पर इसे ले जाइए। कहा सुनी हुई, विवाद इतना बढ़ता चला गया कि बात मारपीट तक आई। और मारपीट के बाद, चूंकि ये गार्ड बैंक में नौकरी करता है, एक बंदूक इसके पास थी, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर गया और वहां से इसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 10 गोलियां इसने चलाई, जिसमें से कुछ गोलियां लोगों को लगी, 6 लोग घायल हैं और 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है। अस्पताल ले जाते वक्त ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। और इन दोनों की बात की जाए तो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, जीजा साला दोनों बताए जा रहे हैं, छोटा सा अपना बिजनेस करते हैं और दोनों की दुखद मौत। राजपाल सिंह कहाँ है, क्या ये पकड़ा गया है? और बाकी के जो 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरी गोलीकांड में, बैंक गार्ड ने गोली चलाई, 8 लोगों को गोलियां लगी, 2 की तो मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए, इनके बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, 6 लोगों का उपचार चल रहा है फिलहाल, डॉक्टर्स का कहना है कि स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा ये गंभीर नहीं है। और दूसरा जो गार्ड का आपने जिक्र किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस बंदूक से उसने गोलियां चलाई, जिस हथियार से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसे भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल उससे अब पूछताछ जारी है, मगर ये घटना का वीडियो, लाइव वीडियो सामने है जब वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शी भी वहीं पर मौजूद थे, चूंकि जब ये फायरिंग हो रही थी, कॉलोनी के कई लोग बाहर आ गए थे और उन्होंने ही बताया है कि आखिरकार ये पूरी घटना किस तरह से हुई है। शुक्रिया आपका शुभम, नजर बना रखिएगा। तो इंदौर का पूरा मामला है जिसमें बैंक गार्ड राजपाल सिंह पकड़ा गया है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।